जी नमस्कार डीएम साहब, चिराग पासवान। इन लोगों को कहीं मुआवजा वगैरह अभी तक तो कुछ मिला नहीं है यहाँ पे सरकार की तरफ से। अब जो मजदूर लोग हैं तो वहाँ पे मजदूर लाभ से हो जाए या पारिवारिक लाभ मिलता है। ये बड़ा वीडियो साहब, चिराग पासवान। अच्छा, हम यहाँ पे आए हुए थे भाई, इन लोगों को कुछ मुआवजा वगैरह आप लोग देंगे नहीं देंगे, क्या 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 सोच रहे हैं आप लोग करने का? जो बूढ़ी महिलाएं हैं उनको अभी तक उनको वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा है, कम से कम इतना तो करवा दीजिए भाई, जो इन लोगों का हक है उतना तो कम से कम इनको दिलवाना शुरू कीजिए। ये शराब आई कहाँ से? पहले उन दोषियों पे आप कार्रवाई कीजिएगा कि उम्र भर सिर्फ जो बेगुनाह है उन्हीं को आप दोष देते रहिएगा? पहली बार तो आपने शराबबंदी कानून आपने लागू करवाया, उसको धरातल पर तो उतारिए। जी नमस्कार डीएम साहब, चिराग पासवान। डीएम साहब, हम यहीं पे आए हुए थे जहाँ पे जहरीली शराब से जो लोगों का जो नहीं निधन हुआ है, तो इन लोगों को कुछ मिला, कुछ मुआवजा वगैरह कुछ दिया गया नहीं दिया गया? गांव का नाम पता है? बोले इन लोगों को कहीं मुआवजा वगैरह अभी तक तो कुछ मिला नहीं है यहाँ पे सरकार की तरफ से। डीएम साहब आवाज आ रही है आपको? हाँ हाँ, तो उसको थोड़ा स्पीडअप, हाँ स्पीडअप करा दीजिए, क्योंकि कमाने वाला एक ही व्यक्ति घर का, अगर उसका निधन हो गया तो ये लोग सबको दिक्कत ना है यहाँ पे, है ना? तो उस हाँ नहीं हाँ हाँ हाँ, तो इसमें हाँ मतलब जो जहाँ से भी आपको लगता है कि जो हो सकता है, अब जो मजदूर लोग हैं तो वहाँ पे मजदूर लाभ से हो जाए या पारिवारिक लाभ मिलता है। जैसे पारिवारिक लाभ मिलता है ना, जहाँ से आपको लगे कि लोगों को लाभ मिल सकता है वो इसको करवाइए। बात किया अभी टीएम से? देखिए सर, हम ही हैं सर, पहाड़ी खेत बारी नहीं, अब वो तो उन्हें तो कमाते क्या, वो तो कोई बंदा। ये बड़ा वीडियो साहब, चिराग पासवान। अच्छा, हम यहाँ पे आए हुए थे भाई, इन लोगों को कुछ मुआवजा वगैरह आप लोग देंगे नहीं देंगे, क्या 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 सोच रहे हैं आप लोग करने का? नहीं, पर जैसे लोग जैसे मजदूर लोग थे उसका कुछ, यहाँ पे जो परिवार की जो जो बूढ़ी महिलाएं हैं उनको अभी तक उनको वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा है, कम से कम इतना तो करवा दीजिए भाई, जो इन लोगों का हक है उतना तो कम से कम इनको दिलवाना शुरू कीजिए। आप आए हैं बीडीओ साहब, आप आए हैं परिवार वालों से मिले हैं नहीं मिले हैं? नहीं तो एक बार फिर से आ जाइए, परिवार में जितनी बूढ़ी महिलाएं हैं उनको देखिए कि उनको पेंशन वेंशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, जो मजदूरी का काम कर रहे थे उसके आधार पर क्या पेंशन हो सकती है, जो पारिवारिक लाभ है उसके माध्यम से क्या आप लोग करवा सकते हैं, ये दोनों तीनों चीजें तो कम से कम करवा दीजिए ना पहले। क्या चीज़ श्रम विभाग के द्वारा? हाँ, जो मजदूर होते हैं उनको भी लाभ दिया जाता है सर। हाँ, वही तो हम कह रहे हैं, लाभ दिया जाता है वो तो कम से कम दिलवाइए ना। एक बार आ जाइए बीडीओ साहब, आइए परिवार से एक बार आके मिलिए, परिवार में देखिए कि किसको क्या क्या उचित लाभ मिल सकता है सरकारी योजनाओं के तहत, कम से कम वो सारे लाभ दिलवाना शुरू कर दीजिए। ठीक है, एक बार आ जाइए मिलिए परिवार से कल। इसमें देख रहे हैं किस तरीके से परिवार का जब कमाने वाला सदस्य जब उसका जब निधन हो जाता है, भाई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं कि जो शराब पिया वही दोषी है, भाई आप बताइए कि ये शराब आई कहाँ से? पहले उन दोषियों पे आप कार्रवाई कीजिएगा कि उम्र भर सिर्फ जो बेगुनाह हैं उन्हीं को आप दोष देते रहिएगा? पहली बार तो आपने शराबबंदी कानून आपने लागू करवाया, उसको धरातल पर तो उतारिए। जिस तरीके से अवैध शराब की बिक्री हो रही है, जहरीली शराब यहाँ पर मिल रही है, घर पे होम डिलीवरी लोग बोलता है कि भाई अब तो शराब की होने लगती है,
तो इसकी रोकथाम करवाने की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनके प्रशासन की है ना। आप जब तक कार्रवाई नहीं करेंगे, एक किसी ऐसे अधिकारी के ऊपर कार्रवाई नहीं हुई जिसकी लापरवाही की वजह से जहरीली शराब या अवैध शराब यहाँ पर मिल रही है, और उसके बाद आप दोषी करार दे देते उन्हीं लोगों को जिनके यहाँ इस तरीके की घटना घटी है। भाई ये छोटे छोटे बच्चे हैं, एक कमाने वाला सदस्य, उनको देखने वाला कौन है? कौन इन बच्चों को आगे देखेगा? कौन इनके घर को देखेगा? बूढ़े पर्सनल नंबर लिखिए तो कोई तो जिम्मेदारी मुख्यमंत्री भाई। हम लोग मांग करते हैं, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास मांग करते हैं कि कम से कम जो भी मृतक परिवार है उनको कम से कम 25 लाख रुपए का उनको मुआवजा मिलना चाहिए, और परिवार के एक सदस्य को कम से कम सरकारी नौकरी दें, क्योंकि ये सरकार की लापरवाही की वजह से इनकी जान गई है। अगर नहीं इस तरीके से जहरीली शराब मिल रही होती, अगर शराबबंदी कानून पूरी तरीके से लागू होता, तो आज उस परिवार का कमाने वाला सदस्य जीवित होता। तो परिवार के एक सदस्य को कम से कम सरकारी, इतना तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कर सकते हैं भाई। आप प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, अब अगर ऐसा है कि भाई गरीबों को आप देखना नहीं चाहते, दलितों को आप देखना नहीं चाहते, चाहते हैं कि वो अपने हाल पर मरते रहे, तो अलग सोच है आपकी, पर कम से कम एक सरकारी नौकरी परिवार के किसी एक सदस्य को मिलनी चाहिए, और 25 लाख का मुआवजा, और जो मुआवजा जो इनका हक बनता है भाई, वो परिवार क्या कहते हैं कल्याण योजना के माध्यम से हो या मजदूरी का ये लोग काम करते थे उसके माध्यम से हो, जो मुआवजा जितना मिलना चाहिए सरकार की तरफ से अभी तक 1 रुपये का मुआवजा नहीं मिला परिवार। तो ऐसे में जो कमाने वाले सदस्य के निधन के बाद, बताइए परिवार के सदस्य कैसे अपना गुजर बसर करें, और ये सारी बातें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी सुनना नहीं चाहते। तो हम लोग मांग करते हैं कि जल्द से जल्द ये मुआवजा दिया जाए 25 लाख रुपए का, और साथ में एक सरकारी नौकरी दी जाए, ये हम लोग मांग करते हैं, और आगे भी जब तक ये हो नहीं जाएगा तब तक हम लोग इस मांग पर अड़े रहेंगे। रिपब्लिकन न्यूज से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहाँ बेल को दबाएं, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।